बलूचिस्तान के कोहलूवारे इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस के गाड़ी वेझो धमाको, ब ऑफिसर शहीद, टे सिपाही जख्मी, शहीदन जा मड़ ए जख्मन के अस्पताल मुंतकिल कयो वयो। आईएसपीआर मूजिब कोहलू में गुझे इतलाते ऑपरेशन दौरान फोर्सेस की गाड़ी के भरसा आईडी धमाके में पाक फौज जो मेजर जवान कैप्टन सगीर शहादत माणी। धमाके में सिपाही बरकत, जफरुल्लाह और हिदायतुल्लाह जख्मी थी पया। दुश्मन जो अड़ियों बुजदलाणियों कार्रवाइयों अमन अमान खराब नथियों करे सकन। दहशतगर्दन अमन दुश्मन के खात्मे लाए कार्रवाइयों जारी रहंदी। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफा अपनी तारीख में आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल करे। इसके नतीजे में जो कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेन जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर की 894 मिलियन एसटीआर वी विल बी एंटाइटल टू। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हत्तुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स न लगे जो कि डायरेक्टली गरीब इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ न बने। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है वो इस वक्त जो है करीबन पूरी हो चुकी है। जो 50 रूपये भी डीजल पर दी उसमें 4 पूरे हो चुके हैं तो इस पे जो बैलेंस है 10 रूपये वो हमें 5 रूपये 1 अप्रैल को बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। जाहिर है कि अगर 170 के लाने तो हमें एक मिनी फाइनेंस ऑडियंस लाना पड़ेगा या बिल लाना पड़ेगा। पाकिस्तान आईएमएफ विच में मामला तय थी वया। वफाकी हुकूमत पारां मनी मिनी बजट आण जो इम्कान। मुआहदे तहत 170 अरब रुपयनि जा नवां टैक्सिस लागू थींदा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे इसहाक़दार चयो त एहतियाती हुकूमत इमरान खान जी हुकूमत पारां कयल मुआहदे ते अमल करे रही आहे। असांजी कोशिश हूंदी त पाकिस्तान ॿियो भेरो आईएमएफ जो प्रोग्राम मुकमिल करे। आईएमएफ जे पैकेज सां 170 अरब रुपयनि जा नवां टैक्सिस लागू थींदा। कोशिश हूंदी त अहिड़ो टैक्स न लॻायो वञे जंहिं सां आवाम ते सिधी रीति बार पवे। आईएमएफ जो प्रोग्राम मुकमिल थियण सां 1.5 अरब डॉलर मिलंदा। गैस जे शोबे में गर्दशी कर्ज़ ख़तम करणा पवंदा। पेट्रोल ते वधीक लेवी टैक्स लागू न कंदासीं। डीज़ल ते रहियल 10% लेवी लॻाई वेंदी। नंढी चूंड जी मुहिम दौरान फौज, अदलिया ऐं ॿियनि इदारनि खिलाफ़ का बि तकरीर न थींदी। इलेक्शन कमीशन पारां 33 तकनि ते रिथियल नंढी चूंड लाइ ज़ाब्ता इख़्लाक जारी। इलेक्शन कमीशन मूजिब पाकिस्तान जे नज़रिये जे उबतड़ का बि तकरीर न कई वेंदी। मुल्की आज़ादी ऐं सालमियत ख़िलाफ़ ॻाल्हाइण जी इजाज़त न हूंदी। चूंड अमल खे बहितर अंदाज़ में अॻिते वधाइण लाइ सियासी पार्टियूं अॻवाण कारकुन ऐं पोलिंग एजेंटनि खे समुझाए छॾनि त ज़ाब्ता इख़्लाक जे ख़िलाफ़ वर्ज़ी कंदड़नि ख़िलाफ़ कार्रवाई थींदी। लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन खे 43 क़ौमी तकनि ते नंढी चूंड रोकण जो हुकुम ॾेई छॾियो। पीटीआई जे 43 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मंज़ूर करण ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ते आरज़ी फ़ैसिलो जारी। अदालत फैसले में चयो त इलेक्शन कमीशन ॼाणायल 43 तकनि ते इलेक्शन जो शेड्यूल जारी न करे 7 मार्च ताईं पीटीआई मेंबर्स खे डीनोटिफाई करण वारो नोटिफिकेशन मुअतल कजे थो। अदालत दरख़्वास्त ॿुधण लाइ मंज़ूर कंदे धुरियुनि खे नोटिस बि जारी करे छॾिया। पीटीआई जे 43 एमएनएस जे इस्तीफ़ाउनि जी मंज़ूरीअ वारो फ़ैसिलो बरक़रार आहे। क़ौमी असेंबली जूं सीटूं ख़ाली थियण बाबति पीटीआई जी वावेला कूड़ी साबित थी। क़ौमी असेंबली जे स्पीकर ऑफिस जी पधिराई मूजिब लाहौर हाईकोर्ट जो फ़ैसिलो मिलण जी तस्दीक करे छॾी। स्पीकर ऑफिस मूजिब लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन कमीशन खे ॿीहर चूंडूं कराइण खां रोकियो आहे। इस्तीफ़ा मंज़ूर करण बाबति स्पीकर जे फ़ैसिले ख़िलाफ़ कुझु बि नाहे चयो वियो। फैसले में वाज़े लिखियल आहे त स्पीकर जे फैसले खिलाफ़ को बि रिलीफ नथो ॾेई सघे।
लाहौर हाईकोर्ट पंजाब में इलेक्शन की तारीख दियण बाबत तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त के फैसलो महफूज कर वरतो। जस्टिस जवाद हसन आईजी पंजाब का पुछाणो कर अवां इलेक्शन की सिक्योरिटी बाबत चवंदा। आईजी अदालत की अगाही डींदे असां तजवीजू इलेक्शन कमीशन के डिनियूं आहिनि, इलेक्शन कमीशन जो फैसलो कबूल कंदासीं। इमरान खान ऐं संदस पार्टी नेब तरमीमी बिल ते वोटिंग का पासो कयो। छा वोटिंग में हिसो न वठंदड़ पार्टी अदालत में दावा दाखिल करे सघे थी? छा को मेंबर ऐवान में खाली छॾे सघे थो? छा पार्लियामेंट जा मामला अदालत में खणी अचण सां पार्लियामेंट कमज़ोर न थींदी? सुप्रीम कोर्ट नेब तरमीम केस में पीटीआई ऐं इमरान खान जी दरख़्वास्त ते सवाल उथारे छॾिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिमार्क्स न त इन नुक़्ते ते इमरान खान खां जवाब तलब कयो वेंदो। छा इन नुक़्ते ते अवामी मफ़ाद जो केस न ॿुधूं त दरख़्वास्त गुज़ार जो कंडक्ट ठीक न हो? पार्लियामेंट जो बॉयकॉट पीटीआई जे सियासी हिकमत अमली हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह रिमार्क्स न त इस्तीफ़ा मंज़ूर न थियण जो मतिलबु रुकनियत बरक़रार आहे। छा कानून साज़ी वक़्तु बॉयकॉट करण ऐं बाद में अदालत अचण सां जमहूरियत कमज़ोर न थींदी? इलेक्शन कमीशन आॾो एतिजाज ऐं सरकारी कम में मुदाखलत वारे केस में पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जी तिबी बुनियादनि ते हाज़िरी खां मुस्तक़िल छूट वारी दरख़्वास्त रद्द। इस्लामाबाद जी दहशतगर्दी टोड़ अदालत इमरान खान खे 15 फरवरी ते पेश थियण जो हुकुम ॾेई छॾियो। अदालत चयो त इमरान खान खे वीडियो में घुमंदे फिरंदे ॾिसी सघिजे थो। इमरान खान अदालत में पेश थिए या न, ज़मानत केस में फ़ैसिलो ॿुधायो वेंदो। खिते में सामूंडी तहफ़ सां गॾु मौसमियाती तब्दीलियुनि खे मुंहुं ॾियण जी ज़रूरत आहे। मैरीटाइम सामूंडी वापार जे तहफ़ में अहम किरदारु आहे। कराची में परडेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी अमन मशकनि वारी तक़रीब खे ख़िताब कंदे चयो त पाकिस्तान 85% वापार समुझ ज़रिए कंदो आहे। सामूंडी वसीला इस्तेमाल करण सां ईंदड़ नसल खे फ़ाइदो थींदो। पाकिस्तान सामूंडी तहफ़ लाइ हर वक़्तु तयारु आहे। सिंध में प्राइवेट कर्ज़नि ते व्याज ख़त्म करण जो बिल सिंध असेंबली में पेश। सूबाई वज़ीर सईद गनी बिल पेश कंदे चयो त व्याज खे कंट्रोल करण जी कोशिश कंदासीं। स्पीकर बिल कमेटी ॾांहुं माणे छॾियो। जी डी एम पी ए आर एफ मुस्तफ़ा जतोई कणक जे अघ जो नोटिफिकेशन जारी न थियण बाबति ध्यानु छिकायो। नोटिस ते ॻाल्हाईंदे चयो त सिंध हुकूमत कणक जे सरकारी अघ जो अञा ताईं नोटिफिकेशन जारी नाहे कयो वियो। कणक जो बिज ख़रीद करण आबादगारनि खे 5,000 ॾियण जो ऐलान थियो पर अञा ताईं पैसा नाहिनि मिलिया। सूबाई वज़ीर सईद गनी जवाब ॾींदे चयो त सूबे में कणक जो सरकारी अघ 4,000 रुपया मण मुक़ररु करण जो नोटिफिकेशन जारी थियो आहे। 1.5-4 मिलियन मेट्रिक टन कणक ख़रीदारीअ जो टारगेट आहे।